Hi guys, दिस इज़ निशा सिंह टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम आज जानेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है क्या इसके इसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी आज इस टॉपिक में ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कम्युनिटी what इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी हम किसे कहते हैं कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया मतलब सेम एरिया प्लेस जो कम्युनिटी हम कैसे बोलते हैं कि जो पीपल्स हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं साथ में क्या रह रहे हैं लिव इन सेम प्लेस में एक ग्रुप uh, है वो एक प्लेस सेम प्लेस में रह रहा है तो हम उसे बोलेंगे कम्युनिटी ठीक है अब हम आते हैं हेल्थ पहले हमने जाना कम्युनिटी क्या है अब हम जानेंगे हेल्थ हेल्थ क्या है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्राम इलनेस और इंजुरी एक स्टेट है एक कंडीशन है जिस पर हम क्या रहते हैं फ्री फ्राम इंजरी एंड इल्नस किसी भी प्रकार के डिसीज इंजुरीज और इलनेस से हम फ्री रहते हैं तो हम उसे बोलेंगे हेल्थ health, मतलब हेल्थी प्रॉब पीपल्स हैं वो हम हेल्थी हैं अगर हमें किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं हुई जिससे हमें हमारे बॉडी माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इफेक्ट पड़ रहा है हमारा हमारी बॉडी एक्टिव है हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली मोमेंट्स हो रहा है हमारा हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है मेंटल स्टेटस अच्छा है हमारा उसके लिए हम क्या बोलेंगे एक आप एक क्या हो हेल्दी पीपल हेल्थ एक हेल्थी मैन uh, या वीमेन है ठीक है तो अब हम हमने देख लिया कम्युनिटी और हेल्थ अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट uh, है नर्सिंग uh, में है ये सब्जेक्ट इसको हम सेकेंड ईयर और बी एस सेकेंड ईयर और बी एस फोर्थ ईयर में हम इसको डिस्कस करते हैं जीएनएम में भी ये ये सब्जेक्ट है तो इन में हम ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में इसमें पढ़ते हैं हम तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से तो कम्युनिटी कम्युनिटी और हेल्थ के बारे में आप जान जान लिया आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इट इज द इट इज़ अ सिंथसाइज ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पीपल्स या पॉपुलेशन तो हम एक क्या है कि सर्विस है जिसके थ्रू हम क्या पूरी ऑल ओवर पॉपुलेशन चाहे वो अर्बन का हो या रूरल एरियाज़ हो कहीं की भी पॉपुलेशन है हमें उसकी हेल्थ को क्या करना है प्रमोट करना है हेल्दी पीपल्स हमें अपनी कम्युनिटी एरिया में चाहिए हमें हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें एक हेल्दी पीपल चाहिए उसके लिए एक बनाया या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्रमोट किया जाता है हेल्थ को पेपल्स पीपल्स को हेल्थ एजुकेशन दिए जाती हैं डिसीज़ के बारे में अवेयर कराया जाता है डायग्नोज किया जाता है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है आइसोलेशन की ज़रूरत है तो आइसोलेशन किया जाता है जगह जगह पर जैसे पी एस सी सी एस सी इनको बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं तो हम ये एक क्या है पीपल्स को हमारे इन्वामेंट को हेल्थी करने के लिए और जो पीपल्स हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उन्हें डिसीज से बचाने के लिए एक, एक, एक सर्विस है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ठीक है अब कम्युनिटी हेल्थ क्या है कम्युनिटी हेल्थ इट रेफर टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी मतलब इसमें हम क्या रेफर करते हैं हेल्थ स्टेटस को रेफर करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं कम पूरा एक एरिया हो गया कम्युनिटी ठीक है हर अलग अलग डिवाइड किया गया है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके हेल्थ को क्या करते हैं हेल्थ हम प्रमोट करना है उनकी हेल्थ को इनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी हेल्थ ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इसके क्या क्या एम्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के तो जैसे कि हमने पढ़ा प्रमोट करना है हेल्थ को ठीक है प्रमोट हेल्थ एंड एफिशिएंसी ठीक है अब हमें एक क्वालिटी वाइस एक क्वालिटी uh, वाली हेल्थ एजुकेशन को और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ेज एंड डिसेबिलिटीज किसी भी प्रकार के डिसीजेस डिसेबिलिटीज किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स जिससे जिससे उन्हें डिसेबिलिटीज हो रही हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डिसेबिलिटीज़ का आप ले लीजिए कि अगर हम प्रेगनेंट वुमेन को क्या देंगे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उन्हें बताएंगे कि आपको प्रॉपर डाइट लेना है तो आपके आपका जो आने वाला बच्चा है जो बेबी है वो एक हेल्दी होगा उस उसको किसी भी प्रकार की डिसबिलिटीज़ नहीं आएंगी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी ठीक है नीड बेस्ड हेल्थ केयर टू प्रोलॉन्ग लाइफ जो भी है न, नीड है जिस जिस प्रकार की हेल्थ केयर देने की नीड है हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करना है अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्युनाइजेशन पोस्ट नेटल इंट्रा एंड एंटी नेटल केयर प्रोवाइड करना एंटी नेटल चेकअप्स होते हैं हर थ्री मंथ में चेकअप्स होते हैं उनके कि उन्हें उनकी डाइट को देखा जाता है उनके वेट को मेंटेन किया जाता है बेबी के ग्रोथ को देखा जा, जाता है जिसमें यू एस जी आ जाता है आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑल ओवर एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड होते हैं और प्रेगनेंसी हमें क्या करना है सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ़ डिलीवरी हमें क्या करना है कि उन्हें बोलना है कि आप डिलीवरी कहाँ होम डिलीवरी ना कराएं आप हॉस्पिटल्स में जाएं जो भी नर्सिंग होम हैं उन उनमें आप जाएं डिलीवरी करवाने कंडक्ट करवाने के लिए बेबी ताकि एक हेल्दी बेबी किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो ना तो बेबी को ना ही मदर को इम्यूनाइजेशन जो भी न्यू हैं उनका जो भी इम्यूनाइजेशन तो होता है इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होती है आप लोगों को पता होगा इम्यूनाइजेशन आगे हम मैं डील करूंगी इम्यूनाइजेशन के बारे में भी तो इस इम्यूनाइजेशन इसके थ्रू तो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्यूनाइजेशन भी होता है ठीक है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर फाइव जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि वो माल न्यूट्रिशन ना हो किसी भी प्रकार की उनको डिसेबिलिटी ना हो मालदरिश होंगे तो बहुत सारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे अफेक्ट हो जाएंगे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ठीक है ये थे ऑब्जेक्टिव्स अब हम नेक्स्ट चलेंगे प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल्स हैं इसके प्रिंसिपल्स मतलब क्या क्या उद्देश्य है किस उद्देश्य है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को बनाया गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य क्या है तो हमने आगे पढ़ा है पिछले पीछे भी पढ़ा है हमने कि हमें क्या करना है हेल्थ को प्रमोट करना है तो शुड इट शुड बी प्लान बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी की नीड है जिस प्रकार की हेल्थ उन्हें प्रोवा चाहिए जिस प्रकार की हेल्थ केयर उन्हें चाहिए जिस जिसकी ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं के कि, किसी एरिए में देखा कि क्या है मल नरिश बच्चे हो रहे हैं मल नरिशमेंट हो रहा है तो हमें उसको क्या करना है हमें उससे केयर अब उसको डिस हमने देख लिया कि वहाँ पर माल नरिश है अब हम हमारी नीड क्या है कि वो उसको माल नरिशमेंट को क्या है हटाना है हमें तो हम क्या उनको एजुकेट करेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको डाइट के बारे में बताएंगे फिर जो ज़ीरो टू तो फाइव ईयर के बच्चे हैं उनको हम स्पेशल डाइट के बारे में बताएंगे उन्हें बताएंगे कि उन्हें प्रोटीन रिच उन्हें कार्बोहाइड्रेट और ये डाइट लेना है उनको देना है कितना अमाउंट देना है वाटर लेवल कितना होना चाहिए उनकी बॉडी में कितना पर डे की डाइट कितनी देनी है पर डे वाटर उन्हें कितना इनटेक करना है है तो हम ये हेल्थ एजुकेशन फिर कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो भी मेडिकेशंस प्रोवाइड करना है तो वो उनके बारे में हमें उन्हें अवेयर कराना है तो ये क्या हो जाएगा नीड वेस्ड आपको एक एग्जाम्पल बताया ठीक है आइडेंटिफ़ाई नीड्स एंड एंड फंक्शंस हमें आइडेंटिफाई भी करना है फर्स्टली तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि नीड क्या है वहाँ केयर किस प्रकार की उन्हें केयर की ज़रूरत है एल्ड ओल्ड एज है ओल्ड एज पर्सन है तो उन्हें किस प्रकार की केयर चाहिए है फिर एक बच्चा है उन्हें किस प्रकार की चाहिए नॉर्मल एडल्ट हैं उनको किस प्रकार की केयर चाहिए किसी भी डिसीज़ आई है कोई जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस जो चल रहा है तो वायरस के अकॉर्डिंग अब ये वायरस में हमें क्या देना है उनको प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं इसका कोई इम्यूनाइजेशन भी नहीं है तो हमें उन्हें एजुकेट करना है कि आप इससे कैसे प्रिवेंट रह सकते हो इस डिसीज़ से करोना वायरस आपको कैसे नहीं हो? अफेक्ट करेगा आपको आपने प्रॉपरली प्रौर्प, हैंड वॉशिंग करना है आपको घर में रहना है इस प्रकार की एजुकेशन तो यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसी के लिए बनाया गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ताकि वेजिस में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी केयर हो रही है फिर डिस डिस्टिक लेवल पे दी जाती है पी एस सी सी सब सेंटर्स बनाए गए हैं तो ये उनके क्या करना है टो, टोटल ऑल ओवर क्या करना है हेल्थ को प्रमोट करना है डिसीज़ कंट्रोल करना है कि जो स्प्रेड हो रहा है डिसीज़ उसको हमें कंट्रोल करना है कि इतना स्प्रेड हो गया लेकिन अब हमें कैसे बचे सकते हैं हमें तो प्रिवेंशन तो यही सब के लिए क्या बनाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ठीक है तो ये सब क्या है इसके प्रॉपर एवेल्यूशन भी करना है हेल्थ सर्विसेज का हमें जो भी सर्विसेज चलाएंगे जैसे गवर्नमेंट के थ्रू मिड डे मील फॉर एग्जांपल मिड डे मील प्लान स्टार्ट हुआ जननी सुरक्षा योजना है ये है तो uh, इस, इसको भी हमें क्या करना है एवेल्यूट भी करना है कि प्रॉपरली uh, उन्हें वो सर्विस मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं ठीक है किसी भी प्रकार के डिसीज से प्रिवेंशन है जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके उससे प्रिवेंशन हम एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये भी हमें देखना है कि कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और कितने लोग बच रहे हैं अफेक्टेड हैं जो पीपल्स उनको इसमें आइसोलेशन में करना है तो हमें एवेल्यूशन भी देखना है ठीक है तो ये इसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर यही सब आता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडस्ट हुआ होगा और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे मतलब आपको कैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ कमियाँ रह गई तो आप प्लीज़ बताइए और थैंक यू सो मच